लॉकडाउन के बाद से करोड़ों के घाटे से गुजर रही होटल इंडस्ट्री को सरकार ने अपने पर्यटन विरोधी निर्णयों से खस्ता हाल कर दिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पर्यटन सीजन में सरकार के निर्णय भारी पड़ रहे हैं। कोरोना बंदिशों के चलते 50% से ज्यादा पर्यटकों ने बुकिंग रद्द कर दी है, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को फिर से नुकसान झेलना पड़ रहा है। शिमला में होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने सरकार के निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा लगाया गया नाइट कर्फ्यू सभी के समझ से परे है, खासकर होटल व्यापारियों के। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने के चलते प्रदेश के लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं इस दौरान होटल इंडस्ट्री को भी करोड़ों का घाटा हुआ है। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री पटरी पर आने लगी थी कि अचानक प्रदेश सरकार के गलत निर्णयों ने होटल कारोबार एक बार फिर ठप कर दिया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और रविवार को शिमला के बाजार बंद रखने से शिमला होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन काफी खफा है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि शिमला काफी माह तक कोरोना से अछूता रहा है। सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम करने का काफी समय था, लेकिन शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में विफल साबित हुई है और कोरोना के दौरान सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों से प्रदेश की जनता काफी परेशान है। शिमला होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि सरकार ने रात्रि कर्फ्यू के साथ शिमला में रविवार को बाजार बंद करने के आदेश दिए हैं। पड़ोसी राज्यों से पर्यटक वीकेंड पर आता है, जब बाजार ही बंद होंगे तो पर्यटक शिमला आकर क्या करेगा। उन्होंने कहा कि खुले में खाने पीने पर भी शिमला में बंदिशें हैं। इस बीच पर्यटक होटलों में की गई बुकिंग रद्द कर रहा है। अभी तक 50% से अधिक बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। संजय सूद का कहना है कि नए साल में पर्यटन सीजन होता है, इस बीच ये बंदिशें होटल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगी। सर, होटल इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में रह चुकी है। जब से लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 22 मार्च को, तब से हमने सबने कोऑपरेट किया, हम सब बंद थे और बहुत मुश्किल घड़ी से गुजरे। आज की डेट में हमने सोचा कि सब खुल गया है तो हमारा टूरिज्म रिवाइव करेगा, और कर भी रहा था। टूरिस्ट हिमाचल की तरफ काफ़ी आने लगा था और हम खुश थे कि ले हम हिमाचल का तो एटीट्यूड भी ये है कि अतिथि देवो भवा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि अतिथि देवो भवा। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सारे इंडियंस को विद इन इंडिया घूमना चाहिए, फॉरेन ना जाए, रेवेन्यू आएगा सब स्टेट्स को। बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है बहुत नेगेटिव है टूवर्ड्स टूरिज्म। ये इसी से जायज़ा लिया जा सकता है कि 8 बजे 9 बजे कर्फ्यू लग रहा है। क्या मायने है इसका, क्या लॉजिक है, मुझे समझ के बाहर है कि एक टूरिस्ट सोलन आ रहा है वहाँ सब ठीक है, शिमला आते ही कर्फ्यू शुरू हो जाता है और 9 बजे के बाद कोरोना फैल रहा है, कोरोना घूमता है मॉल रोड पे 9 बजे के बाद, 9 बजे के पहले कोई कोरोना नहीं है, तो लॉजिक क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और संडे क्यों बाज़ार बंद किया जा रहा है? ठीक है, जो शॉप एक्ट के हिसाब से जो शॉप्स को बंद करने चाहिए वो बंद करें। ये ढाबे, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, जहाँ पर टूरिस्ट खासकर वीकेंड्स के लिए आ रहा है, वो परेशान हो रहा है क्योंकि कोई खाने की जगह नहीं, कोई उनको पीने की जगह नहीं, तो अननेसेसरी क्यों उनको परेशान किया जा रहा है समझ के बाहर है। सरकार के लिए तो बड़ा इजी है, ऑफिस से बैठ के जी डिक्टेट ये बंद कर दो, वो कर्फ्यू लगा दो, इनको तो पैसे मिल रही है, सैलरीज मिल रही है, हम कहाँ जाए। हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट से आज की डेट में। हमारे पूरी उम्मीद थी कि सरकार कुछ ना कुछ रिलीफ देगी हमारी इंडस्ट्री को, एक ढेले का रिलीफ नहीं दिया है। एक सबवेंशन स्कीम बोली थी, मुझे सरकार बताए एक भी कोई होटल या रेस्टोरेंट को पैसा मिले तो बताए, खाली पेपरों में है ये सबवेंशन स्कीम। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिमला व्यापार मंडल ने हर समय सरकार का सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू सुनकर पर्यटक शिमला नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से होटल कारोबारी काफी परेशान है। उन्होंने सरकार से निर्णयों के बारे में दोबारा सोचने की अपील की है और होटल कारोबारियों को राहत देने की मांग की है। तो लाखों में करोड़ों में नुकसान है क्योंकि हर ट्रेड बंद है और सारा जो हमारा ट्रेड है जो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर ये टूरिज्म को ही रोक देंगे, जिस तरह हमारी दुकानें सारी बंद हैं और वीकेंड पे इन्होंने टूरिस्ट बंद रखा है और रात को जो नाइट कर्फ्यू है स्पेशली 8-9 बजे जो है, तो टूरिस्ट सुन के ही यहाँ पे नहीं आ रहा। ये दिन होते थे जब होटलियर्स हमारे भाई पैसा कमाते थे तो आम व्यापार भी हमारा बढ़ता था,
तो बड़े दुख की बात है। पिछले संडे एक हमारे पास हमें पता लगा कि बाजार में लोग घूम रहे हैं, इवन बच्चों के दूध के लिए भी उनको दिक्कत हुई, तो बड़ा दुखद है क्योंकि हिमाचल में तो वैसे ही अतिथि सत्कार का बड़ा हमारा वो है, और अगर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है हम उसके बच्चों के लिए दूध भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। या तो ठीक है अगर सरकार ने ऐसे निर्णय लेने हैं जिस तरह आपने पूछा कोरोना को, तो एक कर दीजिए जैसे पहले कंप्लीट किया था, पूरा बंद कर दीजिए, ऑफिसेज भी अपने बंद कर दीजिए। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप सारा जो अपना डिक्टेटरशिप है वो दुकानदारों या बिजनेसमैन के ऊपर ही दिखाएंगे। व्यापार मंडल की क्या मांग है कि क्या होना चाहिए सरकार से, क्या मांग सरकार नहीं मांगती तो व्यापार? देखिए शिमला का व्यापारी बिल्कुल जागरूक है और व्यापारियों ने पहले भी पूरा सहयोग किया है। हमने स्वेच्छा से भी अपने बाजार भी बंद रखे हैं, अपने होटल भी बंद रखे हैं। इनिशियली सितंबर तक मेरे होटलियर्स भाइयों ने अपनी इच्छा से होटल बंद रखे थे, लेकिन जब अब हमारी आर्थिकी को देखते हुए हमारे स्टाफ की सैलरी है, और बिल्कुल अगर जो सरकार को कुछ करना था तो अपने हॉस्पिटल को देखना चाहिए था। आपको हमें कोरोना ने सबसे ज़्यादा टाइम शिमला को दिया है, लगभग 9 महीने का समय शिमला को मिला। शिमला में केसेस जो बढ़े हैं सबसे बाद में बढ़े हैं, तो हमने कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, कोई अपने हॉस्पिटल नहीं बेटर किए, फैसिलिटीज़ के नाम पे तो हम जीरो रहे। लेकिन हाँ सीधा हमारे को सॉफ्ट टारगेट जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको दबा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।